ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम मुगल डायनेस्टी, दैट इज अकबर. स्टूडेंट्स, अकबर द ग्रेट, इसको अकबर द ग्रेट क्यों कहा गया? अकबर को अकबर द ग्रेट क्यों कहा गया, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं पहले. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो अकबर था ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अकबर ने लगभग 12-13 साल की उम्र रही होगी जब अकबर की ताजपोशी हो जाती है. ठीक है जी. तो अकबर जो है, बहुत जल्दी उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देख ली थी कि बैटल्स कैसे लड़ी जाती हैं, पॉलिटिक्स कैसे होती है. पॉलिटिक्स इन द सेंस कि लाइक सामने वाले को कैसे कंट्रोल में रखना है, ठीक है, कैसे कहाँ पर अपनी सेना कैसे डिप्यूट करनी है और कैसे मंत्रिमंडल को चलाना है. एंड अकबर वाज टोटली इलिटरेट. स्टूडेंट्स, अकबर जो था वो टोटली इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन एक बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था. तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से उसे संभालना जरूर आता था. वो कैसे सीखा उसने? लाइक उस बचपन से अपने तजुर्बों से. तो अकबर द ग्रेट क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? क्योंकि अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर ने अप्रॉक्सीमेटली एंटायर इंडिया को कवर कर लिया था. ठीक है, अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर ने पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल स्थापित कर लिया था, कह सकते हैं. नॉट ओनली इन इंडिया बट अप टू अफगानिस्तान. सो अकबर द ग्रेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स. अकबर जो था वो सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन था हुमायूं का. ठीक है जी, जब वो गद्दी पे बैठता तो उसकी एज यही 13-14 साल रही होगी, मैंने आपको पहले बताया. सो अकबर जो है वो किस तरीके से गद्दी पे बैठा था, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर पे समझाया था कि अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी. ठीक है जी, 1556 1556 में किसके किसके बीच में हुई थी? राजा हेमू एंड अकबर. ठीक है, अकबर की एज उस टाइम पे लगभग 13-14 साल रही होगी और अकबर जो था उसने हेमू का सर कलम कर दिया था. ठीक है, और वहाँ पर जो बैरम खान होता है वो एक लाइक एक छोटा सा सिंहासन बनाता है ऐसी पत्थरों से और पूरी सेना के सामने डिक्लेयर करता है कि आज से नेक्स्ट मुगल रूलर जो होगा एम्पायर का वो अकबर होगा. ठीक है जी, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. ठीक है जी. सो जब वो थ्रोन पे बैठता है कहाँ पर? कलानौर पंजाब में डिक्लेयर करते हैं. कौन था उसका केयर टेकर? बैरम खान. तो कलानौर आपको पता है जी पंजाब में है. ठीक है जी, वहाँ पर बैरम खान डिक्लेयर करता है अकबर को, ठीक है, कि आज से ये मुगल एम्पायर का जो है हेड होगा. सो अकबर एंडेड पॉलिसी ऑफ जजिया सिस्टम. स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी, मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. अकबर ने जजिया सिस्टम को हटा दिया था. आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो जजिया सिस्टम था, जजिया सिस्टम स्टार्ट किया था टर्किश ने. जो टर्क्स आए थे दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे, उन्होंने जजिया सिस्टम स्टार्ट किया था. बट स्टूडेंट्स, ये जजिया सिस्टम अकबर ने हटा दिया. जजिया सिस्टम क्या था? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जजिया सिस्टम में जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, अंडरस्टैंड. तो जो टैक्स नहीं पे कर पाएगा उसको जो है मुस्लिम बनना पड़ेगा. अगर आप मुस्लिम नहीं बनना चाहते तो आप ये टैक्स पे करो. ठीक है, तो इस सिस्टम को, अब देखो यहाँ पर बात आ गई पॉलिटिक्स की, अकबर हटा देता है. बिकॉज अकबर क्या शो कर रहा है? अकबर शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है. ठीक है, धर्म निरपेक्ष, जिसके लिए लाइक जहाँ पर मुगल्स रह रहे हैं उनके लिए सभी रिलीजन्स इक्वल हैं. सो सबसे बड़ा कारण क्या था जजिया पॉलिसी हटाने का? स्टूडेंट्स, अकबर ने राजपूत रूलर्स की डॉटर हरखाबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उससे मैरिज की थी. ठीक है, किचवाहा राजपूत डायनेस्टी के रूलर थे, उसकी डॉटर से मैरिज करता है. देन राजपूत्स को खुश करने के लिए हिंदूज़ के ऊपर जो जजिया टैक्स होता है उसको हटा देता है. ठीक है, तो और अपनी आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत रूलर्स को नियुक्त करता है. ठीक है, लाइक
जो मनसबदार सेनापति सिस्टम होते हैं, ठीक है, अभी मनसबदारी सिस्टम क्या होता है उस पर हम आते हैं। सो अकबर ने फतेहपुर सिकरी शहर एक टाउन था बसाया था, ठीक है, और आगरा फोर्ट बनाया था स्टूडेंट्स, ठीक है जी, और आगरा में ही फतेहपुर सिकरी जगह का नेम है, वहाँ पर फतेहपुर सिकरी शहर को भी बसाया था, छोटा सा टाउन है, और आगरा में आगरा फोर्ट बनाया था, ठीक है जी। और अकबर ने हुमायूं टॉम्ब बनाई थी दिल्ली में, हुमायूं की आप कह सकते हो जो टॉम्ब है वो अकबर ने बनवाई थी, ठीक है। हुमायूं की डेथ तो हो जाती है जल्दी, देन हुमायूं जो है अपने लिए लाइक बेसिकली क्या होता है ना कि मुगल्स का जो सिस्टम था, मुगल्स अपने लिए मरने से पहले लाइक प्रॉपर अपनी कब्र बनवा देते थे, प्रॉपर गार्डन टाइप का, ठीक है, आप कह सकते हो कि बहुत बढ़िया रॉयल गार्डन बनवाते थे, और वहाँ पर उनको जो है वो बरिड किया जाता था, दफनाया जाता था। तो हुमायूं टॉम्ब जो है किसने बनवाई थी, अकबर ने। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सिकरी जो है कहाँ पे है, आगरा में, ठीक है, वहाँ पर उसने आगरा फोर्ट बनवाया था। ही स्टार्टेड रिलीजियस सेक्ट दीन ए इलाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, उसने रिलीजियस सेक्ट भी शुरू किया था। रिलीजियस सेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अकबर ने एक अपने लेवल पे नए किस्म का आप कह सकते हो एक धार्मिक मत, ठीक है, धार्मिक मत आप कह सकते हो। सेक्ट का मतलब होता है कि किसी मत या किसी पाथ को फॉलो करना, ठीक है, जो किसी धर्म से अलग हटके निकला हो उसे आप कहेंगे सेक्ट। तो दीन इलाही, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही जो है ये किसने शुरू किया था, अकबर ने, क्या था, एक रिलीजियस सेक्ट था। बेसिकली अकबर ने क्या किया जी, अपने दरबार में सभी रिलीजन्स के धर्म गुरुओं को इनवाइट किया, ठीक है, हिंदूज़ के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, जैन्स के, बौद्ध के, इस्लाम के, उन सबसे रिलीजियस डिस्कशन करना, ठीक है। तो अकबर की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो क्यों फेमस थी, क्योंकि उन सब के साथ डिस्कस करना रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू पे, कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके लाइक किसके धर्म में कौन सी चीज़ अच्छी है, ठीक है, कौन सी चीज़ हमको अडॉप्ट करनी चाहिए दीन इलाही के लिए। तो उसने अपने टाइप का एक नया सेक्ट बना दिया दीन इलाही, और इसको सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, सबसे पहले दीन इलाही को अपनाया था स्टूडेंट्स बीरबल ने, जो अकबर के दरबार में उसका बहुत खास सलाहकार था बीरबल, आप सबको पता होगा। तो अकबर के दरबार में टोटल 9 जेम्स, ठीक है जी, 9 जेम्स का मतलब है नवरत्न। जेम्स मीन्स क्यों कहा गया, नवरत्न क्यों कहा गया, अकबर के दरबार में खास खास 9 दरबारी उसके कोर्ट में मंत्री थे, ठीक है, उनको 9 जेम्स कहा गया, ठीक है। मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें सब दे रखे हैं, लाइक तानसेन एक बहुत बड़ी आपको पता है जी म्यूजिशियन था, जो कब जो राग लगाता था तो दिए जल जाते थे और बारिश होने लग जाती थी, ठीक है जी, तो मतलब इतने बड़े राग लगाता था कि ऑटोमेटिकली बारिश वाला सीन क्रिएट हो जाता था, ठीक है। ये लाइक ये चीज़ें जो हैं साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है। तो मतलब कि उसके राग में इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो इतने लंबे राग लगाता था, इतने बड़े ख्याल वो गाता था, ठीक है जी, क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिशियन था बहुत बड़ा, तो उसके दरबार का एक रतन वो भी था बीरबल एंड टोडरमल, ठीक है। राजा मान सिंह राजपूत रूलर था और अकबर का बहुत बढ़िया दोस्त था, उसका सेनापति था राजा मान सिंह, वो भी 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल फैजी उसके दरबार में बहुत बड़े बढ़िया कोर्ट पोएट थे, बहुत अच्छे राइटर थे, ठीक है जी, जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी, ठीक है, ये आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जी दशाला सिस्टम। टोडरमल भी अकबर का एक 9 रत्नों में से एक रत्न था, मतलब कि उसके दरबार में 9 खास दरबारियों में से एक दरबारी टोडरमल भी था। तो टोडरमल ने स्टूडेंट्स दशाला सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम, एक ही चीज़ है, दशाला सिस्टम कह लो या बंदोबस्त सिस्टम, इसको स्टार्ट किया था टोडरमल ने। ये जो रेवेन्यू पॉलिसी थी ये शेरशाह सूरी से ही अडॉप्ट की थी, शेरशाह सूरी ने भी दशाला सिस्टम स्टूडेंट्स स्टार्ट किया था। दशाला सिस्टम क्या था, बेसिकली इट वाज अ टैक्स कलेक्शन सिस्टम के 10 साल का इकट्ठा टैक्स, ठीक है जी। दशाला सिस्टम मींस के लाइक जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, ठीक है, या फिर जो लोग भूमि के ऊपर
लैंड टैक्स वगैरह देते हैं, भूमि कर देते हैं, उनको 10 साल का इकट्ठा सिस्टम देना होगा। जब आप कह सकते हो अच्छी फसल हो जाएगी, अच्छी अनाज हो जाएगी, तो उनको 10 साल का जो है टैक्स पे करके देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से सारा आप कह सकते हो कि लाइक टैक्स नहीं पे करना, हर साल टैक्स नहीं पे करना। तो आपके पास मान लो किसी साल अगर अच्छी रेनफॉल नहीं हुई है, अच्छा कोई प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो रखा है, तो आप जो है दशाला सिस्टम के अकॉर्डिंग ईजिली अपने अकॉर्डिंग टैक्स दे सकते हो। ठीक है जी, तो ये रेवेन्यू कलेक्शन किसने किया था? टोडरमल ने। अंडरस्टैंड, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सो एक अकबर ऐसा रूलर था स्टूडेंट्स जिसको कि हिस्टोरियन बहुत बार कंपेयर करते हैं अशोका से। ठीक है जी, अशोका कौन था स्टूडेंट्स? गुप्त डायनेस्टी का, सॉरी मौर्य डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है जी, और अशोका जो था उसकी जो पॉलिसीज थी वो भी कुछ कुछ ऐसी ही थी, या आप कह सकते हो कि अकबर की जो पॉलिसीज थी वो अशोका से कुछ इंस्पायर हो रही थी। लाइक क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि अशोका ने भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कलिंगा वॉर लड़ा था, जिसमें कि लाखों लोग मरे थे उस वॉर में। सेम अकबर भी जो था पहले बहुत क्रूर शासक होता है, आप कह सकते हो बहुत सारी वॉर्स वगैरह इसने लड़ी, राजपूतों के खिलाफ वॉर्स लड़ी, और बाद में जो है अपने आप को सेक्युलर शो कर रहा है, बाद में जो है ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिसमें जजिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया। ठीक है, बाद में अपने अपनी आर्मी में, अपने कोर्ट में जो है राजपूत को नियुक्त कर रहा है। तो मींस कि कुछ हिस्टोरियंस कंपेयर करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के हिस्टोरियंस आपको पता है हिस्ट्री में आते रहते हैं। ठीक है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लो, देन टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर के दरबार में जो खास खास उसके नौरतन थे। सो सबसे पहले अबुल फजल एंड फैज अब्दुल। अबुल फजल कौन था? बहुत बड़ा राइटर था, उसने बुक लिखी थी अकबरनामा। अकबरनामा मींस अकबर की बायोग्राफी, अकबर की जीवनी। ठीक है जी, और फैजी अबुल कौन था? ये अबुल फजल का ही ब्रदर था। ठीक है जी, और बहुत बड़ा हिस्टोरियन था और टीचर ऑफ हिज सन, मींस कि अकबर के बेटे सलीम का टीचर भी था। ठीक है, तानसेन, स्टूडेंट्स तानसेन बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, अभी मैंने आपको बताया। बीरबल, बीरबल बहुत बड़ा उसका एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, जो सारा लेखा जोखा सामता है, ठीक है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था स्टूडेंट्स? महेश दास। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीरबल का असली नेम क्या था? महेश दास। ठीक है जी, टोडरमल, जो राजा टोडरमल था कौन था? उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बंदोबस्त सिस्टम देखता था इसका। ठीक है जी, जिसको दशाला सिस्टम भी कहते थे। राजा मान सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजा मान सिंह बहुत बड़ा मनसबदार था, आर्मी जनरल था आप कह सकते हो। ठीक है, और अकबर का नवरत्न में से एक था। मनसबदारी सिस्टम क्या थी स्टूडेंट्स? मनसबदारी सिस्टम था रिलेटेड टू मिलिट्री रैंक। मनसबदारी सिस्टम में स्टूडेंट्स दो टाइप के मनसबदार होते थे, एक होता था जात और एक होता था सवार। ठीक है जी, जात एंड सवार। ठीक है, सवार का मतलब कितने घुड़सवार हैं। सवार का मीनिंग यहाँ पे क्या है? वो वाला मनसबदार जिसके अंडर 1000 घुड़सवार हैं, 5000 घुड़सवार हैं, तो वो उतने घुड़सवार सैनिकों का हेड है, उसे कहते थे सवार। और जात होता था लाइक बड़ा रैंक के, जिसके अंडर 10000 इन्फेंट्री है, जिसके अंडर 15000 की इन्फेंट्री है, जो पैदल सेना वाली है। ठीक है जी, वो जात हो गया कि इतना बड़ा मनसबदार है। ठीक है जी, तो मनसबदार का सबसे बड़ा हेड कौन था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ही वो रूलर था स्टूडेंट्स, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी की बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है अकबर ने नहीं लड़ी थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी राजा मान सिंह ने लड़ी थी, किसके अगेंस्ट? महाराणा प्रताप के। अंडरस्टैंड, तो मतलब कि अकबर में खुद तो इतनी हिम्मत थी नहीं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे इतने बड़े राजपूत रूलर थे, और एक राजपूत की लड़ाई ऑपोजिट में दूसरा राजपूत कौन था? राजा मान सिंह। ठीक है जी, तो राजा मान सिंह इस बैटल को
जीत जाता है, ठीक है जी। बहुत बड़ी लार्जेस्ट आर्मी होती है उसके पास, अपनी आर्मी भी प्लस मुगल्स की आर्मी भी, जो राजा मानसिंह और अकबर की आर्मी दोनों कंबाइन करके महाराणा प्रताप की आर्मी के साथ बैटल लड़ते हैं, और महाराणा प्रताप इस बैटल में बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से बैटल ऑफ हल्दीघाटी बहुत फेमस बैटल रही है, ठीक है जी। किसने लड़ी थी? राजा मानसिंह ने। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये कौन था? ये बैरम खान का सन था स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये बैरम खान का सन था और बहुत बड़ा कोर्ट, फेमस कोर्ट पोएट था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में बहुत बड़ा कोर्ट पोएट था, बहुत बड़ा कवि था। और फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा, ठीक है, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा, ये कौन थे? ये चीफ़ एडवाइज़र थे, सलाहकार थे किसके? अकबर के, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मनसबदार सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जो मिलिट्री रैंक असाइन किया जाता है, ज़ात एंड सवार, ठीक है, इट्स रिलेटेड विद मिलिट्री रैंक सिस्टम। कौन था मनसबदार सबसे बड़ा? राजा मानसिंह। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर। बीरबल असली नाम क्या था? महेश दास एडमिनिस्ट्रेटर था। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, एक साइड आपको चार या पाँच ऑर्डर में नवरत्न के नेम दे दिए जाएंगे, कोई तीन या चार इसमें से नाम उठा लेगा एग्जामिनर और उसके सामने तीन या चार ऑप्शन रख देगा कि इनमें से मनसबदार कौन था, म्यूजिशियन कौन था, कोर्ट पोएट कौन था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट है, देख लो। देन इसके बाद स्टूडेंट्स, अकबर के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है जहांगीर। जहांगीर इज़ अ टाइटल ऑफ राजा सलीम। जो सलीम था स्टूडेंट्स, राजा सलीम जो है बहुत, आप ये कह सकते हो कि बहुत लंबे समय बाद पैदा होता है अकबर के घर में, और अकबर इसके लिए जो है आप कह सकते हो पैदल चल के गया था मिन्नतें मांगने के लिए अजमेर शरीफ में, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, ठीक है। ये एग्ज़ाम में खैर नहीं पूछा जाएगा, आपको थोड़ा सा ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था, बट स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जहांगीर के ऊपर कि जो जहांगीर था उसका ओरिजिनल नेम क्या था? राजा सलीम। और जो राजा सलीम था स्टूडेंट्स, उसके टाइम पे कौन से उसके खास दरबार में पेंटर था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा राजा सलीम के बारे में समझा देता हूँ। तो जो राजा सलीम था, या आप कह सकते हैं जहांगीर, स्टूडेंट्स जहांगीर जो है राजा सलीम, अनारकली के साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन अकबर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और अकबर जो है अनारकली को ज़िंदा ही दीवार पे चिनवा देता है, ठीक है। देन अनारकली की डेथ के बाद सलीम बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं। इस चीज़ को देखते हुए जो अकबर था, सलीम की मैरिज नूर जहाँ से करवा देता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो जहांगीर था उसकी मैरिज किसके साथ हुई थी? नूर जहां, ठीक है जी, नूर जहां। और नूर जहां का ओरिजिनल नेम क्या था? मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, ठीक है। नूर जहां से उसकी मैरिज करवा देता है। सो जो रियल एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है जहांगीर के टाइम का, वो नूर जहां को समझा जाता है, क्योंकि नूर जहां बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को लेके एक्टिव थी, ठीक है जी। और जहांगीर के दरबार में एक बहुत फेमस पेंटर था स्टूडेंट्स, पेंटर, उसका नाम क्या था? बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नोट कर लो स्टूडेंट्स। जहांगीर के दरबार में बहुत बड़ा पेंटर मंसूर, ठीक है जी, मंसूर बहुत बड़ा पेंटर जहांगीर के दरबार में। सो ये बेसिक क्वेश्चन जहांगीर में से पूछे जाते हैं, ठीक है, आप ये दो पॉइंट नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।